हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सारे ठीक होंगे। जी, अभी आपको पता है हमारे घर की खाने की सीरीज चल रही है। आज एपिसोड नंबर 5 रेडी हो रहा है, जिसमें हम बना रहे हैं घर का साग, जो हमारी किचन गार्डन में ही मिलता है ज़्यादातर, जिसको कहते हैं हम गन्यार। इसका अपना ही फ्लेवर है, अपना ही टेस्ट है, आप लोग इसको भी ट्राई कीजिएगा। अभी बताते हैं कैसे बनेगा। और ये गर्म होता है, प्लीज़ ज़्यादा मत खाइएगा। अगर ज़्यादा खा रहे हैं तो साथ में लस्सी और दही भी लीजिएगा। आप इसको चावलों के साथ और अपने आप फुलके के साथ भी खा सकते हैं, और किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, इसका अपना ही अलग टेस्ट है। प्लीज इसे ट्राई कीजिएगा। आपके लिए एक कढ़ाई में हमने ऑयल ले लिया है, मस्टर्ड ऑयल। इसके अपने बेनिफिट्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया है, हमें ये हमेशा यही यूज़ करना चाहिए। और देखिए साग में क्या क्या डालेंगे हम। ये टमाटो एंड अनियन एक साथ हमने कट कर लिए हैं, और साथ में ये गार्लिक ऐड करेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल एंड इजी वे में बनेगा। ऑलरेडी हमारे घर का ही साग है, हमने फ्रीज करके रखा था इसे पहले ही तोड़ के। इसको कहते हैं गन्यार, गन्यार का साग बना रहे हैं हम। ये देखिए लहसुन को हमने इसे कर लिया है सारा क्रश। और ये मार्केट में गन्यार का साग वेरी रेयर अवेलेबल होता है, बट इसका टेस्ट बाकी सबसे डिफरेंट होता है। आप इसको ट्राई कीजिएगा। इसको ज़्यादा मत खाइएगा, ये गर्म होता है। गरम तो होता है, बट ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, खाना चाहिए इसे। और साथ में आप दही ले सकते हैं इसके साथ खाने के लिए। अब देखिए चिलीज भी कट कर लेंगे। ये सबसे पहले लहसुन ऐड करेंगे, हल्का सा ब्राउन कर लेंगे इसको। देखिए साथ में स्टिर भी करेंगे। अब देखिए लहसुन के साथ ये रेड चिली, इसके साथ थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। इसमें हल्दी ऐड नहीं करते, क्योंकि हल्दी से ये साग कड़वा हो जाता है। गन्यार के साग में कभी भी हल्दी ऐड नहीं करनी। अब इसके साथ हम जो हमने टमाटोज, अनियन और ग्रीन चिलीज काटी थी, सबको एक साथ डाल देंगे। सॉल्ट को आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। पहले इसको बिना सॉल्ट के स्टिर करेंगे। आपकी चॉइस, अगर आप इसे टमाटर प्याज तिपका तिपका खा सकते हैं तो उससे और ज़्यादा फ्लेवर डेवलप होता है, खाने में मज़ा आता है, क्रिस्पीनेस होती है खाने में। ये जो साग है गन्यार का, ये सिर्फ जानके में ही मिलता है और कहीं ज़्यादा पाया नहीं जाता। अच्छे से सौटे कर लेंगे हम इसे। आपकी चॉइस है, टमाटर छोटे छोटे भी काट सकते हैं, हमने बड़े बड़े ही काट के बनाए। ये देखिए साथ में थोड़ा थोड़ा इन्हें दबाने की भी कोशिश करेंगे। अभी हमने इसमें सॉल्ट नहीं ऐड किया, थोड़ी देर में ऐड करेंगे। सॉल्ट आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। सॉल्ट से जो टमाटो है वो जल्दी मैश हो जाते हैं, जल्दी गल जाते हैं जिसे हम कहते हैं। ये देखिए ये कुकिंग प्रोसेस को फास्ट कर देता है थोड़ा। बाकी आपकी चॉइस है, आप इसको कितना पकाना चाहते हैं। देखिए अब इसको लगेंगे 5 to 10 मिनट अच्छे से ग्रेवी सूखने में। जब ये अच्छे से पानी सारा सोख लेगा, उसके बाद हम इसमें साग ऐड करेंगे चल गन्यार का। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर आ रहा है। फिर से मैं बोल रही हूँ, हल्दी नहीं ऐड करनी है, हल्दी से ये कड़वा हो जाता है, प्लीज़ ये याद रखिएगा। ये देखिए टमाटोज अच्छे से मैश हो गए, ये देख सकते हैं। अब हम इसमें अपना साग ऐड करेंगे गन्यार का। ये देखिए इसका कलर देख सकते हैं आप, कितना अमेजिंग है ग्रीन कलर। ये देखिए ये देखिए, अब इसको मिक्स करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा डाल के, साथ में हल्का हल्का ऐड करके, साथ में करछी भी मारते जाएंगे। ये देखिए ये घर के किचन गार्डन में लगा होता है, ईजिली अवेलेबल नहीं होता मार्केट में। प्लस ये होता है थ्रू आउट द ईयर है, बट ज़्यादा ये जून जुलाई में ही मिलता है। ये देखिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हार्डली इट टेक्स नाउ 5 to 10 मिनट्स टू कुक। हम इसको अच्छे पूरा गाल के नहीं खाते, थोड़ा कच्चा कच्चा, जिसमें से क्रंचीनेस आता है खाने में। देखिए
फ्यूम्स देखिए कैसे आ रहे हैं। इसका अरोमा एकदम अमेजिंग है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट है बाकी सागों से। आपकी चॉइस है, आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हो और फुलके के साथ भी खा सकते हैं, प्लस साथ में दही होगा तो और ही मज़ा आ जाएगा। लस्सी भी ले सकते हैं साथ में। अगर आप चाहें तो इसको बिना प्याज और टमाटर के भी बना सकते हैं। ऑयल लेना है, ऑयल को गरम करके उसमें ग्रीन चिलीज, नमक और साग को ऐड करेंगे, उसका भी बहुत अमेजिंग टेस्ट होगा। आपको एक वैसा भी बना के खिलाएंगे और दिखाएंगे भी। खिलाने का मतलब है मैं टेस्ट करके बताऊंगी कैसा बना और आपको दिखाऊंगी, तो ऐसे बनाइए। ये देखिए, मुंह में पानी आ रहा है मेरे, मन कर अभी खा लूं, बट थोड़ा सा टाइम देना इसको कुक होने के लिए। ये देखिए, अब साग रेडी है हमारा, हल्का हल्का सा पानी है, 2 मिनट और कुक करेंगे कि पानी भी अच्छे से सूख जाए। अभी आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है ये। ये देखिए, आप इसका कलर देख सकते हैं, इट्स अमेज। अब ये रेडी हो गया, आपने देखा ही होगा इसको कितना कम टाइम लगा बनने में, हार्डली 15 to 20 मिनट्स में। इजी टू मेक एंड टेस्टी टू ईट। इस साग का अपना ही अरोमा है जो दूसरे साग में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये देखिए, अब अच्छे से ये रेडी हो गया है। अगर आप ज़्यादा गर्म चीज़ नहीं खा सकते, अगर आप इसको गर्म पानी से निकाल के खाएंगे तो इसकी गर्म तसीर है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर आप इसको ले सकते हैं खाने के लिए। नाउ इट्स रेडी, अब टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा बना ये। अब हमारी प्लेट तैयार हो रही है। ये देखिए, साइड में फुलका भी दिख रहा होगा, फुलका भी रेडी हो रहा है। देखिए देखिए, ये देखिए फूल रहा है, इसका मतलब कहते हैं कि अगर फुलका फूले तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, इट मीन्स कि हमें बहुत ज़्यादा ही भूख लगी है। अभी ट्राई करने लगे हैं, बताते हैं। ये देखिए, थाली लग रही है। ये देखिए, सबसे पहले फुलका, फुलके के ऊपर घर का देसी घी, ये होममेड देसी घी है हमारा। ये देखिए, ये साग आ गया, मलाई मिली हमें टेस्टिंग के लिए, हम इसको मलाई के साथ खाएंगे। ये देखिए, अब खा के बताते हैं कैसा है। थैंक यू सो मच मम्मा। देखिए हमारी प्लेट आ गई है, ये साग, ये मलाई और ये सैलेड, देख सकते हैं घर का देसी घी है। बताते हैं कैसा बना। इट्स अल्टीमेट गाइस, इसका टेस्ट ना बिल्कुल डिफरेंट है जो हम बाकी साग खाते हैं, और जब आप इसको खाएंगे आपको भी डिफरेंस फील होगा कि दोनों का टेस्ट टोटली डिफरेंट है। प्लीज़ आप इसे ट्राई कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक ऑल्सो। थैंक यू।